हेलो दोस्तों, आप सभी का एक और नए वीडियो में स्वागत करता हूं मैं। आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के शेयर के बारे में कि आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का शेयर मार्केट में लगभग 4 रुपये के आसपास गिरावट आपको देखने को मिली पिछले 5 डे में, क्योंकि दोस्तों शेयर 58 रुपीज़ के आसपास आ चुका था मार्केट में, लेकिन दोस्तों फिर से नीचे आ चुका है शेयर। तो अब यहाँ पे क्या करना चाहिए आपको, इस गिरावट में क्या करना चाहिए, गिरावट का फायदा लेना चाहिए आपको या नहीं लेना चाहिए, सारी बातें वीडियो में कवर करेंगे। लेकिन एक बार बोल दूँ मैं आपको कि एक मंथ में शेयर ने आपको 11 से 12% के आसपास आपको दिया है, मतलब दोस्तों शेयर जब 55 रुपीज़ के आसपास था मार्केट में, इसका हाई दोस्तों हाई तोड़ के 258 रुपीज़ के आसपास का इसका नया रिकॉर्ड शेयर ने बना दिया है। तो अब दोस्तों ऐसी तेजी आपको देखने को मिलती है आने वाले एक मंथ के लिए, तो आप दोस्तों इस शेयर में प्रॉफिट बुक कर सकते हो। लेकिन अगर प्रॉफिट बुक नहीं करना है आपको, तो आप दोस्तों आने वाले टाइम में अगर 6 मंथ के लिए होल्ड कर रहे हो तो होल्ड कर सकते हो 6 मंथ के लिए। 6 मंथ में आपको दोस्तों इसकी प्राइस कम से कम 100 रुपये के आसपास देखने को मिल जाएगी। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन आ रहा हो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो, क्योंकि दोस्तों अगर मैं 6 मंथ की बात करूँगा, 6 मंथ में आपको दोस्तों कम से कम 78% यानी 80% के आसपास का आपको मिल चुका है। यहाँ पे लगभग आपका पेमेंट दोस्तों डबल हो चुका है, क्योंकि दोस्तों मार्केट में अभी शेयर 28 रुपीज़ के आसपास था, तब से आपको बोल रहा हूँ दोस्तों शेयर रॉकेट बनेगा, रॉकेट बनेगा, रॉकेट बनेगा। जब रॉकेट बना दोस्तों 45 के आसपास गया था, तब से आपको बोल दिया कि दोस्तों टारगेट टूटने वाला है। 55 के आसपास गया, फिर मैं बोल दिया आपको टारगेट टूट जाएगा। अब दोस्तों आपको टारगेट शॉर्ट टर्म के लेने होने वाला 65 रुपीज़ के आसपास आपको आने वाले 5-10 दिन के अंदर देखने को मिल जाएगा। धन्यवाद।